तुम मुझे टैलेंट दो, मैं तुम्हें मंच दूंगा। लल्लन टॉप अड्डे का मंच, मंच जिस पर खड़े होकर तुम गाना गा सकते हो, स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हो, मिमिक्री कर सकते हो, कोई मजेदार किस्सा सुना सकते हो, कविता सुना सकते हो। लल्लन टॉप अड्डा, जहां तुम पेंटिंग कर सकते हो, स्केच बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हारी कलाकारी को आसमान पर पहुंचा दे। साथ में जीत सकते हो मौके पर लाखों के इनाम। तो फिर आइए लल्लन टॉप अड्डे पर, दिखाइए अपने हुनर का कमाल। लल्लन टॉप अड्डा 1, 2 और 3 नवंबर को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, नई दिल्ली में। उन्नाव गैंगरेप केस में आरोपी हैं कुलदीप सेंगर। उनके छोटे भाई मनोज सेंगर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इनकी खबर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये रायबरेली में हुए पीड़िता के एक्सीडेंट की घटना में नामजद थे। पीड़िता के चाचा ने इस एक्सीडेंट को साजिश बताते हुए एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और 10 नामजद लोगों में मनोज सेंगर का नाम भी शामिल था। जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक मनोज की तबीयत खराब होने के बाद उसे लखनऊ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और फिर दिल्ली लाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। खबर ऐसी भी थी कि मनोज सेंगर अपने बड़े भाई कुलदीप सेंगर के मुकदमों की पैरवी कर रहा था, और तो और वो खुद रावण की पूजा करता था और उसे खुद को लंकेश कहलाना पसंद था। भाई की मौत के बाद जेल में बंद कुलदीप और उनके भाई अतुल सेंगर को 72 घंटे की पैरोल दी गई है, जिससे वो भाई के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें। तो क्या है ये पूरा मामला? 19 साल की एक लड़की ने कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप लगाया था। लड़की का आरोप था कि साल 2017 में कुलदीप ने अपने घर पर उसका रेप किया था। इसी मामले की सुनवाई दिल्ली के 30,000 कोर्ट में हो रही है और आरोपी जेल में बंद है, ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं। क्या था ये पूरा मामला? 19 साल की एक लड़की ने कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप लगाया था। लड़की का आरोप था कि साल 2017 में कुलदीप ने अपने घर पर उसका रेप किया था। इसी मामले की सुनवाई दिल्ली के 30,000 कोर्ट में हो रही है और आरोपी जेल में बंद है, ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं। वहीं लड़की का कुछ महीने पहले कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गई थी। अस्पताल में उसका लंबा इलाज चला था, अभी वो डिस्चार्ज हो चुकी है। कुलदीप सिंह सेंगर को जाने वाले लोग बताते हैं कि इलाके में उनकी छवि बाहुबली की है। 4 बार से लगातार विधायक बने रहे कुलदीप सेंगर कभी चुनाव नहीं हारे हैं। कहा जाता है कि सियासत में कुलदीप चल रही हवा का रुख भाप लेते हैं। ऐसे में वो 4 बार विधायक बने हैं, जिसमें 3 बार उनका क्षेत्र अलग अलग रहा है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल दी लल्लन टॉप को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम इंस्टाग्राम पे भी हैं तो और वीडियोस के लिए हमें वहां ज़रूर फॉलो करिए। अब आप देख सकते हैं दी लल्लन टॉप क्विज़ सौरभ द्विवेदी के साथ, शनिवार रात 9 बजे और रविवार सुबह 11 बजे और फिर रात में 8 बजे तेज चैनल पर। थैंक यू। कहानी किसी ने कही, बहुतों ने सुनी। क्या आपके पास कोई कहानी है, कहानी जो आपको लगता है कि पूरे मुल्क को सुननी चाहिए? ये कहानी आपको लखपति बना सकती है। लल्लन टॉप अड्डे पर आइए, मौके पर कहानी लिखिए और लाखों के इनाम जीतिए। लल्लन टॉप अड्डा 1, 2 और 3 नवंबर को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, नई दिल्ली में।